मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीलम गर्ग। आज हम बनाएंगे ब्रेड गुलाब जामुन। उसके लिए हमने 10 व्हाइट ब्रेड के स्लाइसेस लिए हुए हैं जिनकी साइड्स को हम अलग निकाल देंगे। हम यहां पर व्हाइट ब्रेड का यूज़ कर रहे हैं, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड का यूज़ भी कर सकते हैं। एक कप अपनी चाशनी बनाने के लिए चीनी ली हुई है, 3 इलायची को हल्का सा क्रस्ट करके रखा हुआ है, 1 टेबल स्पून हमने पिस्ता लिया हुआ है बारीक कटा हुआ, इसको हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे, 1 कप से थोड़ा ज़्यादा दूध लिया हुआ है, दूध हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करेंगे, 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ बादाम लिया हुआ है, 1 टेबल स्पून किशमिश ली हुई है, 1.5 कप हमने चाशनी बनाने के लिए पानी लिया हुआ है, गुलाब जामुन को डीप फ्राई करने के लिए ऑयल लिया हुआ है। सबसे पहले हम ब्रेड के स्लाइसेस को अलग निकाल लेंगे। हम इनकी साइड्स को फेंकना नहीं है, हम किसी भी रेसिपी में इनका ब्रेड क्रम्स बनाकर यूज़ कर सकते हैं। सभी की साइड्स को अलग निकाल लेंगे। ब्रेड की साइड्स को हमने कट करके अलग निकाल दिया है। अब हम एक बड़ा बाउल लेंगे और उसमें ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करके ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। सभी ब्रेड के इसी तरीके से छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। सभी ब्रेड को हमने बारीक कर लिया है तोड़ के। अब हम इसका डो तैयार कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे इसमें। थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे। इतने डो को तैयार करने में हमारा 2 से 3 टेबल स्पून दूध यूज हुआ है, बाकी बच गया है। इसको अलग रख देंगे और इसको सॉफ्ट कर लेंगे इस तरीके से। हम इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करना है, जब तक ये चिकना ना हो जाए इसको इस तरीके से मसलते रहेंगे हम। डो हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, डो को हमें इस तरीके से तैयार करना है। एक साइड हम चाशनी को बनने के लिए छोड़ देंगे, एक पैन लेंगे और गैस को ऑन कर देंगे, पानी ऐड करेंगे 1.5 कप। एक कप चीनी और 1.5 कप पानी का यूज़ कर रहे हैं हम। चीनी को मेल्ट होने देंगे, चाशनी को हम एक साइड रख देंगे और इस साइड हम ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे, गुलाब जामुन को डीप फ्राई करने के लिए। ऑयल को हमने गर्म होने के लिए छोड़ दिया है, फ्लेम को हमने मीडियम रखा हुआ है। हाथों को हल्का सा ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे। इसमें से थोड़ा सा डो लेंगे हम। हल्का सा फ्लैट करेंगे, किशमिश ऐड करेंगे इसमें, बादाम, फिर से एक बार गोल कर लेंगे इसको। गुलाब जामुन को हमने फिल कर लिया है, आप चाहे तो इसको विदाउट ड्राई फ्रूट भी बना सकते हैं और आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लेंगे। फ्लैट करेंगे,
किशमिश ऐड करेंगे। बंद कर देंगे इसको और फिर से राउंड कर देंगे इसको। सभी गुलाब जामुन को हम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। गुलाब जामुन का साइज आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, छोटा या बड़ा बना सकते हैं इसको। सभी गुलाब जामुन को बनाकर हमने तैयार कर लिया है, एक बार चाशनी को भी चेक कर लेंगे। चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है, अब हम इसमें क्रस्ट किए हुए इलायची ऐड कर देंगे। फ्लेम को हम हाई कर देंगे और चाशनी को बनने देंगे। हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पकाना है। चीनी गुलने के बाद हमने चाशनी को 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पका लिया है। अब हम इसको एक साइड लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे और इसमें हम अपने गुलाब जामुन को डीप फ्राई कर लेंगे। ऑयल को एक बार चेक कर लेंगे, ऑयल हमारा मीडियम गर्म हो चुका है। अब हम इसको गुलाब जामुन को डीप फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे, बस चेक कर लेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम रखा हुआ है, मीडियम फ्लेम पे इनको बनने देंगे। इस तरीके से इन पे ऑयल डालते रहेंगे जिससे ये ऊपर से भी अच्छे से सिक जाए। हल्का सा गुलाब जामुन को फैलाते रहेंगे जिससे ये कढ़ाई में ना लगे। गुलाब जामुन को चारों तरफ से घुमाते हुए इन्हें हमें गोल्डन ब्राउन करना है। गुलाब जामुन पे हमारे हल्का हल्का कलर आने लगा है, हमें इस तरीके से इन्हें घुमाते रहना है जिससे इन पे इवनली कलर आए। गुलाब जामुन पे हमारे बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है, हम इसको 1 सेकंड के लिए और इसी में छोड़ देंगे। अब हम इन्हें अलग निकाल लेंगे, फ्लेम को लो कर देंगे। बाकी बच्चों को भी इसी तरीके से डीप फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हमने लो रखा हुआ है अभी क्योंकि कढ़ाई हमारी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुकी है। कुछ देर के लिए हम इनको लो फ्लेम पे ही बनाएंगे। हल्का सा कलर इनका चेंज होने लगा है, अभी हमें थोड़ा सा और डार्क करना है। गुलाब
गुलाब जामुन हमारे डीप फ्राई हो चुके हैं, अब उनको अलग निकाल देंगे। गैस को हम ऑफ कर देंगे। अब हम एक एक गुलाब जामुन उठाएंगे और चाशनी में ऐड करेंगे। फ्लेम को हमने लो रखा हुआ है कुछ देर के लिए, हम इनको लो फ्लेम पे इसी तरीके से इसमें डिप रहने देंगे। जिसे चाशनी इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे। एक से दो मिनट के लिए इसी में छोड़ देंगे इनको और पकने देंगे। दो से तीन मिनट के लिए हमने इनको मीडियम फ्लेम पे चाशनी में पका लिया है और ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, इनको छूने से पता चल रहा है। गैस को हम ऑफ कर देंगे और इनको आधा से पौन घंटे के लिए इसी तरीके से इसमें छोड़ देंगे, जिससे ये और अच्छे से अंदर से भी मीठे हो जाएं। आधा से पौन घंटा हो चुका है, हमने इनको चाशनी में इसी तरीके से छोड़ दिया था। आप चाहें तो इनको हल्का सा गर्म करके सर्व कर सकते हैं और आप इनको ठंडा भी सर्व कर सकते हैं। अब हम इन्हें सर्व करेंगे। चाशनी ऐड करेंगे। बहुत ही अच्छे गुलाब जामुन बनकर हमारे तैयार हुए हैं। गुलाब जामुन को हमने सर्व कर दिया है, अब हम इन्हें पिस्ता से गार्निश करेंगे। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है, इनको बनाने में भी बहुत ही कम टाइम लगता है। गुलाब जामुन बनकर हमारे तैयार हो चुके हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमारी रेसिपी से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।